हेलो एवरीवन वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ई टू सी माई नेमी चंद्रपाल सिकंदर इन दिस वीडियो वी आर गोना टॉक अबाउट मोस्ट वी ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस क्वेश्चन एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी एपिसोड फोर ऑफ क्रैश कोर्स सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड तो गाइज आज का हमारा पहला सवाल है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई हैज बिन रिटर्न बाई डॉट डॉट कि इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई लिखा गया है किसके द्वारा ऑप्शन ए जर्मन ग्रीर के द्वारा ऑप्शन बी परलेस बक के द्वारा ऑप्शन सी द्रोथी एल सेयर्स के द्वारा ऑप्शन डी बर्टन रसेल के द्वारा, द्वारा. बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा चलिए गाइज मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट जवाब क्या होगा तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा परलेस बक कि इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई हैज़ बिन रिटर्न बाई परलेस बॉक तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी है परलेस बक अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज अगला सवाल है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई इज़ ए और एन डॉट डॉट कि इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई है क्या ऑप्शन ए ऐसे है ऑप्शन बी स्पीच है ऑप्शन सी शॉर्ट स्टोरी है ऑप्शन डी ड्रामा है बताइए तो गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा यस गाइज एब्सोल्युटली राइट इस सवाल का करेक्ट जवाब गाइज ऑप्शन ए सही है ऐसे कि इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई यह एक ऐसे है ठीक है गाइज ऐसे के अलावा यह एक ट्रेवलरग है तथा जर्नी रिकॉर्ड है अगले सवाल के तरफ बढ़ा जाता है गाइज अगला सवाल है आप सभी के लिए पर्लेस वॉक वॉज बॉर्न इन अमेरिका बट रियर्ड इन डॉट डॉट कि परलेस का जन्म अमेरिका में हुआ था लेकिन उनका पालन पोषण कहाँ हुआ था ऑप्शन ए इंग्लैंड में ऑप्शन बी चाइना में ऑप्शन सी इटली में ऑप्शन डी रसिया में बताइए तो गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा यस गाइज एब्सोल्युटली राइट इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन बी सही है, चाइना पॉर्लस बक का जन्म अमेरिका में हुआ था और उनका पालन पोषण चाइना में हुआ था अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइस अगला सवाल है कि पर्लेस बक वाज एन डो बाई बर्थ कि पर्लेस बक जन्म से क्या थी ऑप्शन ए अमेरिकन थी ऑप्शन बी अफ्रीकन थी ऑप्शन सी इटालियन थी ऑप्शन डी इंडियन थी बताइए तो गाइस गाइस अभी आप लोग सवाल देखे थे कि पर्लेस बक का जन्म अमेरिका में हुआ था और उनका पालन पोषण चाइना में हुआ तो गाइज ये जन्म से एक अमेरिकन थी तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा अमेरिकन कि पर्लेस बॉक वाज एन अमेरिकन बाय बर्थ अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज अगला सवाल है पर्लेस बॉक हैड एन डॉट डॉट फैमिली डॉक्टर कि पर्लेस बॉक के पास कौन से फैमिली डॉक्टर थे ऑप्शन ए अमेरिकन फैमिली डॉक्टर ऑप्शन बी इंडियन फैमिली डॉक्टर ऑप्शन सी अफ्रीकन फैमिली डॉक्टर ऑप्शन डी इटालियन फैमिली डॉक्टर बताइए तो गाइज गाइज अगर आप लोग इंडिया थ्रू और ट्रेवलर्स आई पढ़े होंगे ना तो उसमें आपको बताया गया होगा कि पर्लेस बॉक का जन्म अमेरिका में हुआ था लेकिन इनका पालन पोषण चाइना में हुआ था और इनके यहाँ जो फैमिली डॉक्टर्स थे वो इंडियन फैमिली डॉक्टर्स थे तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा इंडियन कि पर्लेस बॉक हैड इंडियन फैमिली डॉक्टर्स तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इंडियन कि उनके पास इंडियन फैमिली डॉक्टर्स थे ठीक है अगले सवाल के तरफ बढ़ा जाता है गाइज अगला सवाल है गाइज कि डॉट डॉट इज नोन फॉर हर ट्रेवलर एंड मेमायर्स कि निम्नलिखित में से कौन ऐसे कवि हैं जो अपने ट्रेवलर तथा मेमायर्स के लिए जाने जाते हैं ऑप्शन ए जर्मन ग्रीर ऑप्शन बी बर्टन रसेल ऑप्शन सी द्रोथी एल सेयर्स ऑप्शन डी पर्लिस बक क्या होगा गाइज इसका करेक्ट जवाब बताइए तो यू कैन टेक योर टाइम तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पर्लैस बक वह ट्रेवलर तथा मेमोरस के लिए जानी जाती थी इसी के लिए फेमस थी तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा पर्लस बक अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज अगला सवाल है कि पर्लस बक वोन द डॉट डॉट इन नाइनटीन थर्टी एट कि पर्लेश बक जीती थी उन्नीस सौ अड़तीस में कौन सा प्राइज ऑप्शन ए पुल्यूजर प्राइज ऑप्शन बी ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑप्शन सी नोबेल प्राइज ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज बताइए तो गईज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा गईज अगर आप रेगुलर वीडियो देख रहे हैं इस चैनल पर न गाइज तो आपको बार, बार बार बताया जा रहा है कि आपके सिलेबस में चार ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है पर्लेस बक को उन्नीस सौ अड़तीस में टी एस एलियट को उन्नीस सौ अड़तालीस में बर्टन रसेल को उन्नीस सौ पचास में और लूथर किंग जूनियर को उन्नीस सौ चौंसठ में तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नोबेल प्राइज कि पर्लेस बक को 1938 में नोबेल प्राइज़ मिला था ऑप्शन ए देख रहे हैं गाइज पुलिटजर प्राइज डब्ल्यू एच ऑडिन को 1948 में पुलिटजर प्राइज़ मिला था ऑप्शन बी देख रहे हैं गाइज ऑर्डर ऑफ मेरिट वाल्टर डीला मेयर को उन्नीस में ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला था अगले सवाल के तरफ बढ़ा जाता है गाइज अगला सवाल है आप सभी के लिए पर्लैस बक वन द नोबेल प्राइज़ फॉर डॉडर्ट इन नाइनटीन थर्टी एट कि पर्लेस बक को नोबेल प्राइज मिला था 1938 में किसके लिए ऑप्शन ए पीस के लिए ऑप्शन बी इकोनॉमिक्स के लिए ऑप्शन सी लिटरेचर के लिए ऑप्शन डी मेडिसिन के लिए, लिए. बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा लिटरेचर कि पर्लेस बक को उन्नीस में लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज मिला था गाइज छह फील्ड में नोबेल प्राइज मिलता है एक पीस के फील्ड में एक इकोनॉमिक्स के फील्ड में एक लिटरेचर के फील्ड में एक मेडिसिन के फील्ड में और गाइज एक फिजिक्स तथा केमिस्ट्री के फील्ड में और आपके सिलेबस में चार ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है गाइज तीन आदमी को लिटरेचर के फील्ड में मिला है और एक आदमी को पीस के फील्ड में मिला है मार्टिन लूथर किंग जूनियर को गाइज उन्नीस में पीस के लिए मिला था अब बाकी जो तीन व्यक्ति हैं जैसे पर्लेस बक उन्नीस में उनको लिटरेचर के लिए मिला था टी एस इलियट को उन्नीस में लिटरेचर के लिए मिला था और बॉटेन रसेल को उन्नीस में लिटरेचर के लिए मिला था तो गाइज यहाँ पर इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन सी सही हो जाएगा लिटरेचर कि पर्लेस बक को उन्नीस में लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज मिला था अगले सवाल के तरफ बढ़ा जाता है गाइज अगला सवाल है आप सभी के लिए कि द बुक कॉम माई बी हैज डॉट डॉट बैकग्राउंड कि एक किताब है जिसका नाम कॉम माई बी है उसमें कौन से देश का बैकग्राउंड है ऑप्शन ए इंडियन ऑप्शन बी चाइनीज ऑप्शन सी जापानीज ऑप्शन डी अमेरिकन बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा चलिए गाइज मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट जवाब तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा इंडियन कि जो किताब है कॉम माई बिलोवेड हैज इंडियन बैकग्राउंड कि उसमें इंडियन बैकग्राउंड है गाइज अगर गाइज ये पूछ दे कि कॉम माई बिलोवेड हैज मी रिटर्न बाई कि कॉम माई बिलोवेड जो किताब है किसके द्वारा लिखा गया है तो इसका करेक्ट जवाब बताइएगा पर्लेस बक ठीक है अगले सवाल के तरफ बढ़ा जाता है गाइज अगला सवाल है आप सभी के लिए परलेस बक टॉट इन ए और एन डॉट डॉट यूनिवर्सिटी की परलेस बक पढ़ाती थी या पढ़ाई कौन से यूनिवर्सिटी में कौन से विश्वविद्यालय में ऑप्शन ए इंडियन ऑप्शन बी चाइनीज ऑप्शन सी अमेरिकन ऑप्शन डी अफ्रीकन बताइए तो गाइज क्या होगा इसका करेक्ट जवाब बताइए यस गाइज यू कैन टेक योर टाइम आई एम वेटिंग फॉर यूर रिप्लाई ट्राई टू टेल तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चाइनीज कि पर्लेस बक टॉट इन अ चाइनीज यूनिवर्सिटी गाइज उनका जन्म अमेरिका में हुआ था पालन पोषण चाइना में हुआ था तो एक चीनी विश्वविद्यालय में गैज चाइनीज़ विश्वविद्यालय में पढ़ाती थी तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा चाइनीज अगले सवाल के तरफ बढ़ा जाता है गईज अगला सवाल है कि पर्लेश बक वॉज बॉर्न इन डॉट डॉट कि पर्लेश बक का जन्म कब हुआ था ऑप्शन ए अठारह में ऑप्शन बी अठारह में ऑप्शन सी अठारह में ऑप्शन डी अठारह में बताइए तो गैज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा अठारह सौ बानवे कि परलेस बक का जन्म अठारह सौ बानवे में हुआ था ठीक है अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज अगला सवाल है आप सभी के लिए कि परलेस बक डाइड इन डॉट डॉट कि परलेस बक का मृत्यु हुआ था कब हुआ था ऑप्शन ए उन्नीस सौ सत्तर में ऑप्शन बी उन्नीस सौ इकहत्तर में ऑप्शन सी उन्नीस सौ बहत्तर में ऑप्शन डी उन्नीस सौ तिहत्तर में बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा यस गाइज एप्सोलूटली राइट इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन डी हो जाएगा उन्नीस तो गाइज ये आपको याद करना है कि पर्लेस बक का जन्म अठारह सौ बानवे में हुआ था और उनका मृत्यु उन्नीस सौ तिहत्तर में हुआ था ठीक है गाइज वो अमेरिका के रहने वाली थी गाइज लेकिन उनका पालन पोषण चाइना में हुआ था ठीक है वह एक चाइनीज यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज अगला सवाल है आप सभी के लिए पर्ल्स बॉक वॉज रियर्ड बाई हर डॉट डॉट कि पर्लस बक का पालन पोषण हुआ था उन उनके किसके द्वारा हुआ था ऑप्शन ए अंकल के द्वारा ऑप्शन बी ग्रैंड मदर के द्वारा ऑप्शन सी मिशनरी पेरेंट्स के द्वारा ऑप्शन डी ऑन्ट के द्वारा बताइए तो गाइज़ इसका करेक्ट जवाब क्या होगा आई एम वेटिंग फॉर यू रिप्लाई अगर आप गाइज पढ़े होंगे ना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप इसका करेक्ट जवाब बता सकते हैं अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो गाइज तो मुश्किल होगी बहुत दिक्कत हो जाएगा आपका ठीक है गाइज चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट जवाब क्या होगा तो गाइज परलेस बक वॉज रियड बाई हर मिशिनरी पेरेंट्स कि परलेस बक का गाइज पालन पोषण उनके मिशनरी पेरेंट्स के द्वारा किया गया मिशनरी पेरेंट्स का मतलब गाइज कि जो एक जगह से दूसरे जगह जाकर धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं ना गाइज उसी को मिशनरी पेरेंट्स कहा जाता है ठीक है गाइज तो परलेस बक के जो माता पिता एक देश छोड़कर दूसरे देश में गए थे और वहाँ पर धर्म का प्रचार प्रसार करते थे अगले सवाल के तरफ बढ़ा जाता है गाइज काफी भी यही सवाल है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अगला सवाल है कि इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ डॉट डॉट कि इंडिया जो रहा है अब किसके जीवन का गाइज एक हिस्सा रहा है बैकग्राउंड रहा है पृष्ठभूमि रहा है ऑप्शन ए द डॉक्टर्स लाइफ कि डॉक्टर के जीवन का इंडिया एक पार्ट रहा है ऑप्शन बी द वाइफ्स लाइफ कि पत्नी के जीवन का इंडिया एक पार्ट रहा है ऑप्शन सी द कश्मीरी मैंस लाइफ या ऑप्शन डी पर्स बॉक्स लाइफ बताइए तो गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा चलिए गाइज मैं आपको बताता हूँ कि इसका करेक्ट जवाब क्या होगा गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी परलेस बक्स लाइफ यानी इंडिया जो रहा है गाइज हमेशा से परलेस बक के जीवन का एगो हिस्सा रहा है तो इस सवाल का करेक्ट जवाब हो जाएगा परलेस बक्स लाइफ ऑप्शन डी इज द राइट आंसर गाइज अगले सवाल के तौर बढ़ा जाता है गाइज अगला सवाल है आप सभी के लिए द टीचर मेड कंप्लेन अगेंस्ट सी बी टू हिज डॉट डॉट कि जो टीचर थे कंप्लेन किए थे शिकायत किए थे सी के विरुद्ध उसके किस से किए थे ऑप्शन ए उसके फादर से शिकायत किए थे ऑप्शन बी उसके मदर से शिकायत किए थे ऑप्शन सी ब्रदर से किए थे या ऑप्शन डी सिस्टर से किए बताइए तो गाइज़ इसका करेक्ट जवाब क्या होगा आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई गाइज़ अगर गाइज अगर आप द आर्टिस्ट चैप्टर पढ़े होंगे ना या इसका कहानी सुने होंगे ना तो गाइज आप इसका करेक्ट जवाब बता सकते हैं कि जो टीचर थे जो सी का गोड छीने थे कन्फ्यूस्केट किए थे जब्त किए थे वो डायरेक्ट गाइज इसके मम्मी पर अटैक किए थे शिकायत इसका माँ से किए थे तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा मदर कि द टीचर मेड कंप्लेंट अगेंस्ट सी बी टू हिज मदर तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा मदर अगले सवाल के तरफ बढ़ा जाता है अगला सवाल है कि फेरोक्स व रूलर्स ऑफ एंशियंट डॉट डॉट कि जो फेरोक्स थे वो शासक थे प्राचीन किसके शासक थे ऑप्शन ए इंडिया के ऑप्शन बी रसिया के ऑप्शन सी इजिप्ट के ऑप्शन डी ग्रीस के बताइए गाइज बहुत ही भी यही भी सवाल है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो फेरोक्स थे वो शासक थे प्राचीन किसके शासक थे बताइए यस गाइज एब्सोल्युटली राइट ऑप्शन सी इज द राइट आंसर कि जो फेरोक्स थे गाइज प्राचीन मिस्र के शासक थे तो ऑप्शन सी है इजिप्ट एंशियंट इजिप्ट के वो लोग रूलर्स थे फेरोक्स शासक थे तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा इजिप्ट अगले सवाल के तौर पर बढ़ा जाता है गाइज अगला सवाल है कि आवर एंसेस्टर्स डिसविएटेड अस फ्रॉम डॉट डॉट कि जो हमारे पूर्वज थे डिसविएट किए थे हमको मना कर दिए थे रोक दिए थे किस चीज़ से ऑप्शन ए मोरालिटी से ऑप्शन बी पॉलिटिक्स से ऑप्शन सी स्पिरिचुअलिटी से ऑप्शन डी लग्जरीज एंड प्लेजर से बताइए तो गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा यह गाइज़ यह लाइन आपको लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा लग्जरीज एंड प्लेजर्स कि जो हमारे एनसेस्टर्स थे हमारे पूर्वज थे हम लोग पर रोक लगा दिए थे रोक दिए थे आनंद और विलासिता से तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन डी सही हो जाएगा लग्जरीज एंड प्लेजर्स अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज अगला सवाल है कि डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द डॉट डॉट कि जो डॉक्टर राधा कृष्णन थे उन्होंने अपना कभी भरोसा नहीं खोया था अपने विश्वास नहीं खोया था ऑप्शन ए इसेंशियल एक्सपीरियंस पर से ऑप्शन बी इसेंशियल वेल्थ पर से ऑप्शन सी इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन पर से ऑप्शन डी इसेंशियल नॉलेज पर से बताइए तो गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा गाइज यह लाइन आपको लिया गया है गाइज भारत इज माई होम से जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिया गया है यस गाइज एब्सोल्युटली राइट बहुत सही बता रहे हैं इस सवाल का करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन कि जो इंसानों का आवश्यक मनावता था गाइज उस पर से उनका भरोसा कभी नहीं उठा था तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन अगले सवाल के तौर पर बढ़ा जाता है गाइज अगला सवाल है कि नानू का इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न टू डॉट डॉट कि नानू काका को जब भी गाइज गुस्सा आता था या लिंग्विस्टिक इमरजेंसी पड़ता था तो किस भाषा में वो चेंज हो जाते थे गाइज आ जाते थे ऑप्शन ए हीज मदर ऑप्शन बी इंग्लिश ऑप्शन सी हिंदी ऑप्शन डी संस्कृत बताइए तो गाइस इसका करेक्ट जवाब क्या होगा गाइस अगर आप ये पिन चपेस न पढ़े होंगे ना गाइस तो उसमें आपको ये बताया गया होगा सवाल ठीक है गाइस चलिए गाइस मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट जवाब क्या होगा इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा हिज मदर टंग कि नानू काका को जब भी गाइज लिंग्विस्टिक इमरजेंसी पढ़ता था तो गाइज वो हमेशा अपने मदर टंग में, में टर्न हो जाते थे ठीक है गाइज अब मान लीजिए गाइज कि आप कितना भी अंग्रेजी जानते हो अगर आपका झगड़ा किसी अंग्रेज से हो जाए तो अंग्रेजी में तो गाली नहीं निकलेगा अपने ही भाषा में निकलेगा ठीक है ना चाहे आप भोजपुरी जानते हो या हिंदी जानते हो तो नानू काका गाइज अपने ही भाषा में वो चेंज हो जाते थे ठीक है ना अपने ही भाषा में गाली देना स्टार्ट कर देते थे अपने ही भाषा में कुछ अपशब्द बोलते थे ठीक है अगला सवाल है गाइज कि हु इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काकाज विजिट कि किसने अंडर सिक्रेटी को इन्फॉर्म किया कि नानू काका आ रहे हैं ऑप्शन ए मदर ने माँ ने ऑप्शन बी फादर ने ऑप्शन सी फ्रेंड ने ऑप्शन डी ब्रदर ने बताइएगा इसका करेक्ट जवाब क्या होगा गाइज मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग बता सकते हैं लोग कि अंडर सेक्रेटरी को किसने इन्फॉर्म किया कि नानू का, का आ रहे हैं यस गाइज एप्सलूटली राइट बिल्कुल सही बता रहे हैं लोग कि इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन ए सही बता रहे हैं गाइज कि मदर नहीं बताया था माँ नहीं बताया था कि बाबू नानू काका आ रहे हैं तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा मदर ठीक है गाइज़ अगले सवाल के तरफ तो बढ़ा जाता है गाइज यह सवाल गाइज कमेंट बॉक्स में भी पूछा गया था कि हु ट्रेवल्ड फ्री विद नानू काका कि नानू काका के साथ फ्री में किसने ट्रेवल किया था ऑप्शन ए हेन ऑप्शन बी डॉग ऑप्शन सी रैबिट ऑप्शन डी किटन बताइए तो गाइज और गाइज मैंने जवाब भी दिया है कमेंट बॉक्स में आप गाइज अगर वीडियो देखते होंगे कमेंट बॉक्स अगर देखते होंगे गाइज कमेंट पढ़ते होंगे ना तो आपको जरूर मिला होगा ये सवाल ठीक है ना गाइज कोई लड़का हमसे सवाल किए थे मैंने उसको करेक्ट जवाब भी दिया था चलिए गाइज तो मैं बताता हूँ इसका करेक्ट जवाब क्या होगा इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी किटेन कि किटन ट्रेवल फ्री विद नानू काका किटेन ने नानू काका के का साथ फ्री में ट्रेवल किया था अगले सवाल के तरफ बढ़ा जाता है गाइज अगला सवाल है एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस डेट वी सेल डॉट डॉट ठीक है गाइस गाइस यह लाइन आपका आई हैव हैवे ड्रीम से लिया गया है जब पैराग्राफ नंबर सात पढ़िएगा ना गाइस तो यह लाइन उसी से लिया गया है इसका हिंदी होगा गाइस कि जैसे ही हम आगे बढ़ना शुरू करेंगे हम यह शपथ लेते हैं कि हम अब क्या करेंगे ऑप्शन ए ऑलवेज फाइट कि हमेशा लड़ाई करेंगे ऑप्शन बी ऑलवेज मार्च अहेड कि हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे ऑप्शन सी ऑलवेज बी सेटिस्फाइड कि हमेशा हम संतुष्ट रहेंगे ऑप्शन डी ऑलवेज हेट पीपल कि हमेशा लोगों से हम लोग हेट करेंगे नफरत करेंगे घृणा करेंगे बताइए तो गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा चलिए गाइज मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट जवाब क्या होगा गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ऑलवेज मार्च अहेड हेड गाइज मार्च अहेड का मतलब होता है आगे बढ़ना कि एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस डेट वी सेल ऑलवेज मार्च अहेड कि जैसे ही हम आगे बढ़ना शुरू करेंगे हम यह शपथ ले लें कि हम हमेशा आगे बढ़ते ही रहेंगे यह लाइन आपको गाइस आई हैव अ ड्रीम में मिल जाएगा पैराग्राफ नंबर सात में अगले सवाल के तरफ बढ़ा जाता है गाइस अगला सवाल है कि द बैंक ऑफ जस्टिस इज डॉट डॉट कि जो न्याय का बैंक है वो क्या है ऑप्शन ए हाईवे है ऑप्शन बी स्ट्रगल्ड है ऑप्शन सी बैंक है ऑप्शन डी स्टैग है गाइज ये अभी सवाल आई हैव अ ड्रीम से लिया गया बहुत ही गाइज भी, भी यही सवाल ही माना जाता है ठीक है गाइज बताइए इसका करेक्ट जवाब क्या होगा

किस चीज़ का गाइज इन्वेंशन किस चीज़ का आविष्कार ज़्यादा इम्पोर्टेंट था ज़्यादा महत्वपूर्ण था डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स यानी जानवरों का जानवरों को पालतू बनाने से ऑप्शन ए फायर ऑप्शन बी एग्रीकल्चर ऑप्शन सी कार ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज बताइए तो गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा कि किस चीज़ का इन्वेंशन किस चीज़ का आविष्कार ज़्यादा इम्पोर्टेंट था जानवरों को पालतू बनाने से बताइए गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब क्या होगा येस गाइज एप्सुलटली राइट इस सवाल का करेक्ट जवाब हो जाएगा इस ऑप्शन बी एग्रीकल्चर की द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर वाज मोर इम्पॉर्टेंट दैन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा एग्रीकल्चर अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है guys. अगला सवाल है गाइज कि इमेन्सिपेशन प्रोक्लेमेशन गेव द निग्रो डॉट डॉट इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है मुक्ति घोषणा पत्र ये जो मुक्ति घोषणा पत्र बनाया गया था गाइज क्या दिया था ऑप्शन ए डिसअपियर ऑप्शन बी स्लेवरी ऑप्शन सी फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी ऑप्शन डी कैप्टिविटी बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा यह लाइन गाइज यह सवाल आई अ ड्रीम चैप्टर से लिया गया है ठीक है तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रीडम फ्रॉम सलेबरी कि जो मुक्ति घोषणा पत्र बना था गाइज इसने नेग्रो को फ्रीडम दिया था आज़ादी दिया था फ्रॉम स्लेबरी गुलामी से तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज अगला सवाल है कि सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन डॉट डॉट कि जो सभ्यता होती है बताती है इंसानों का ऑप्शन ए द वे ऑफ लिविंग जीने का तरीका बताती है ऑप्शन बी द पाथ ऑफ ड्यूटी कर्तव्यों का मार्ग दिखाती है कर्तव्यों का रास्ता बताती है ऑप्शन सी हाउ टू मेक मनी कि पैसा कैसे बनाना है पैसा कैसे कमाना है उसके बारे में बताती है ऑप्शन डी हाउ टू सेव मनी कि पैसे को कैसे सेव करना ये बताती है बताइए तो गाइज गाइज यह सवाल इंडिया यह सवाल इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से लिया गया है बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा चलिए गाइज मैं बताता हूँ इसका करेक्ट जवाब क्या होगा इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा द पाथ ऑफ ड्यूटी यानी सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी कि सभ्यता जो होती है गाइज इंसानों को उसके कर्तव्यों का मार्ग बताती है उसके कर्तव्यों का रास्ता बताती है गाइज अगर ऐसे पूछ दे कि सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी इज लाइन टेकन फ्रॉम यह लाइन कौन से पार्ट से लिया गया है तो अब जवाब बताइएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर कि सभ्यता वह आचरण है जो इंसानों को उसके कर्तव्यों का मार्ग बताती है कर्तव्यों का रास्ता बताती है अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज अगला सवाल है आप सभी के लिए टू ऑब्जर्व मोरलिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर डॉट डॉट किन ऑब्जर्व मोरलिटी का मतलब होता है नैतिकता का पालन करना नैतिकता का पालन करना किसके ऊपर मास्टरी करने के बराबर है ऑप्शन ए आर्ट ऑप्शन बी माइंड एंड पैशन ऑप्शन सी इकोनॉमिकल ग्रोथ ऑप्शन डी पोलिटिकल एबिलिटी बताइए तो गाइज गाइज यह अभी सवाल इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से लिया गया है जो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है गाइज इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर यह एक ऐसे है तो गाइज चलिए मैं बताता हूँ इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा माइंड एंड पैसन की नैतिकता का पालन करना माइंड एंड पैसन के ऊपर गाइज मास्टरी करने के बराबर है ठीक है तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन बी सही है माइंड एंड पैशन अगले सवाल के तरफ बढ़ा जाता है गाइज अगला सवाल बहुत ही भी यही सवाल है गाइज अ वीमेन हैज़ टू ऑब्जर्व वेरियस कस्टम्स एंड रिचुअल्स ड्यूरिंग डॉट डॉट कि एक औरत को गाइज बहुत सारे रीति रिवाज का पालन करना पड़ता है ड्यूरिंग किसके दौरान ऑप्शन ए कुकिंग खाना पकाते समय उसके दौरान ऑप्शन बी प्रेगनेंसी के दौरान ऑप्शन सी एजुकेशन के दौरान ऑप्शन डी हैविंग बाथ नहाने के दौरान बताइए तो गाइस इसका करेक्ट जवाब क्या होगा कि एक महिला को एक औरत को अनेकों प्रकार के रीति रिवाज का सामना करना पड़ता है किसके दौरान गाइस यस गाइज एप्सुलूटली राइट प्रेगनेंसी के दौरान तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा प्रेगनेंसी ठीक है गाइज अगले सवाल के तरफ तो बढ़ा जाता है गाइज़ अगला सवाल है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस इज रेस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग डॉट डॉट कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस होता है वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है किसके दौरान रेस्ट्रिक्ट का मतलब होता है पाबंद लगा देना ठीक है रोक देना किसके दौरान गाइज ऑप्शन ए वार के दौरान ऑप्शन बी पीस के दौरान ऑप्शन सी एपिडेमिक के दौरान ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज बताइए गाइज इसका कॉक्ट जवाब क्या होगा यस गाइज एब्सोल्युटली राइट ट्राई करें बहुत अच्छी बात है ट्राई करना चाहिए गाइज ठीक है गलत होगा फिर भी कोई बात नहीं है गलत आजे कीजिए गाइज ठीक है ना मेन एग्जाम में जाने से पहले गाइज यहीं पर गलती कर लीजिए चलिए मैं बताता हूँ गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा वार कि फ्रीडम ऑफ प्रेस को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है वार के दौरान युद्ध के दौरान तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर गाइज ऑप्शन ए सही है वार अगले सवाल की तरफ तो बढ़ा जाता है गाइज अगला सवाल है अगला सवाल है गाइज कि सेंसरशिप इज इम्पोज ड्यूरिंग डॉट डॉट कि सेंसरशिप को इम्पोज किया जाता है किसके दौरान ऑप्शन ए पीसफुल टाइम ऑप्शन बी इलेक्शन ऑप्शन सी इमरजेंसी ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज गाइज यहाँ पर आप देख रहे हैं सेंसरशिप सेंसरशिप का मतलब है गाइज कि सरकार के द्वारा मीडिया संस्थानों पर दबाव देना कि उन्हें कौन सी खबर प्रकाशित करनी है या कौन सी नहीं करनी है ठीक है गाइज तो सेंसरशिप को इंपोज किया जाता है किसके दौरान बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा चलिए गाइज मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट जवाब क्या होगा गाइज इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा इमरजेंसी के दौरान कि सेंसरशिप को इंपोज किया जाता है ड्यूरिंग एमरजेंसी तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा इमरजेंसी अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज अगला सवाल है आप सभी के लिए कि डॉट डॉट कैन मेक और ब्रेक रेपुटेशन कि निम्नलिखित में से कौन है जो रेपुटेशन को बना भी सकता है और रेपुटेशन को तोड़ भी सकता है ऑप्शन ए मैन ऑप्शन बी टीचर ऑप्शन सी प्रेस ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा गाइज हम लोग के जीवन में तो टीचर ही होते हैं कि जो रेपुटेशन को बना भी सकते हैं उसको तोड़ भी सकते हैं लेकिन गाइज जहाँ तक सिलेबस की बात है आपका रेनबो पार्ट टू किताब की बात है तो गाइज उसमें प्रेस के बारे में बात किया गया है जब आप हाउ फ्री द प्रेस पढ़िएगा ना द्रोथी एल सेर्स के द्वारा तो गाइज उसमें प्रेस के बारे में बताया गया है कि प्रेस रेपुटेशन को बना भी सकता है तोड़ भी सकता है तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा प्रेस अगले सवाल के तरफ बढ़ा जाता है गाइस अगला सवाल है कि एट फर्स्ट शुरू शुरू में पहले बेंजी केप्ट डॉट डॉट कि बेंजी रखता था कितनी मुर्गियाँ रखता था ऑप्शन ए टू डन हैं दो दर्जन मुर्गियाँ रखता था ऑप्शन बी फोर डजन हैंस चार दर्जन मुर्गियाँ रखता था ऑप्शन सी टेन और ए डजन हैंस कि दस या बारह मुर्गियाँ रखता था ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज बताइए गाइस उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग सही बता सकते हैं इसका करेक्ट जवाब दे सकते हैं क्या होगा इसका करेक्ट जवाब चलिए गाइज मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट जवाब क्या होगा गाइज शुरू शुरू में बेंजी दस या बारह मुर्गियाँ रखता था तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब हो जाएगा टेन और ए डोजन हैंस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ठीक है गाइज तो इस सवाल का करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी टेन और ए डोजन हैंस गाइज डोजन का मतलब दर्जन होता है अगले सवाल के तरफ बढ़ा जाता है गाइज अगला सवाल है कि द डॉट डॉट सजेस्टेड डेट बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप हैंस किसने सजेस्ट किया था किसने सलाह दिया था कि बेंजी को मुर्गियाँ रखना चाहिए ऑप्शन ए डॉक्टर किसी डॉक्टर ने ऑप्शन बी टीचर किसी टीचर ने ऑप्शन सी फ्रेंड ने किसी फ्रेंड ने ऑप्शन डी सेंट ने किसी साधु ने बताइए तो गाइस क्या होगा करेक्ट जवाब इसका यस गाइस एब्सोल्युटली राइट इस सवाल का करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि बेंजी को मुर्गियाँ रखनी चाहिए ठीक है गाइज अगले सवाल के तरफ बढ़ा जाता है गाइज अगला सवाल है कि इंडियंस जो भारतीय थे अंडर द ब्रिटिश रूल जब ब्रिटिश रूल था अंग्रेजों का शासन था उनके अंडर हैड अ लाइफ स्पेन ऑफ जस्ट कि हम हम लोग का भारतीय लोग का लाइफ स्पेन जीवन अवधि जो होता है कितने साल का था गाइस बताइए ऑप्शन ए ट्वेंटी फाइव पच्चीस साल का ऑप्शन बी ट्वेंटी सिक्स छब्बीस साल का ऑप्शन सी ट्वेंटी सेवन साल का या ऑप्शन डी थर्टी तीस साल का क्या होगा इसका करेक्ट जवाब बताइए तो गाइज जब गाइज पर्लेस बक इंडिया विजिट की हुई थी ठीक है गाइज तो उस समय ब्रिटिश रूल के अंडर हमारे इंडियंस का लाइफ स्पेन गाइज मात्र सताइस साल का होता था तो गाइज सताइस को अंग्रेजी में ट्वेंटी सेवन बोला जाता है तो इस प्रकार इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा ट्वेंटी सेवन ठीक है गाइज इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई से सवाल लिया गया है गाइज तो इस सवाल का करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ट्वेंटी सेवन उस समय इंडियंस का लाइफ स्पेन मात्र सताइस साल का होता था ठीक है गाइज गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल से नहीं जुड़े हैं गाइज तो चैनल से जुड़िए सब्सक्राइब कीजिए शेयर भी कीजिए गाइज